दिस इज वेरी माइल्ड, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके ओके डॉक्टर। अरे रिलैक्स, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली सर डर लग रहा है। हाँ ओके ओके। अरे काम डाउन। सॉरी सॉरी। जय हनुमान, जय गुण सागर, जय कपीश्वर, बोला जय राम। डॉक्टर मुझे ब्रेन ट्यूमर है यार। ब्रेन ट्यूमर? आप अपने एमआरआई स्कैन साथ में लाए? वो तो ना कराया मैंने। आपको पता क्या चला कि आपको ब्रेन ट्यूमर है? अरे गूगल ने बताया ना, 2 दिन से ज्यादा का सर में दर्द है तो मतलब ब्रेन ट्यूमर है। दवाई कौन सी लूं? ये भी गूगल ही कर लेते आप। अरे तो आप डॉक्टर क्यों हैं फिर? मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ। सर ये दवाई किसके लिए? वो पेट दर्द के लिए। हाँ नाभि पर हींग मार लूंगा और सब ठीक हो जाएगा एकदम। करेक्ट। सर ये वाली दवाई? वो इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए है। दूध और हल्दी का दूध गर्म करके थोड़ी सी शक्कर डाल के ठीक कर दूंगा उसको। और सर ये वाली दवाई? वो इम्यूनिटी के लिए। अमरूद, अदरक और शहद होल की वेट तक ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी की क्या बात हो रही है? अरे आपको सब कुछ ही मालूम है तो आप मेरे पास आए क्यों हो यार? नहीं सर बस आप प्रॉब्लम बता दीजिए, इलाज तो मैं कर लेता हूँ। आपके इलाज सुन के सर दर्द कर रहा है मेरा, पता आपको? सर आप काफूर सुंगा करिए, उससे ठीक हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे दिमाग में है ना एकदम से झुट 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 हो रहा है सर। सर मेरे पेट में है ना लुप 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 लुप। सर मेरी छाती में है ना थप 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 थप। मेरी उंगली में ना टट 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 हो रहा है सर। और कुछ हो रहा है? नहीं सर बस। इसे ठीक हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉट वरी। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। कॉन्फिडेंट है? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या भाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जाओ। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, जस्ट समटाइम्स दीस पेशेंट्स गेट कैन बी दो। सर एक सर, लास्ट नॉनवेज खा सकता हूँ और वो जॉगिंग कंटिन्यू रखूँ ना? ये रात को दही, उस लड़की से शादी, जब बच्चे पैदा करो, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? केल या धोनी? I've been feeling very weak and stressful lately, you know. You've been eating well? हाँ, I make sure that I have a very healthy diet plan. कल रात को क्या खाया आपने? वही परसों रात का leftover cheese margherita pizza. और आज? सुबह वही वड़ा पाव with तीखा मीठा and लहसुन चटनी. हाँ, भजी पाव भी खाया था साथ में. लंच पे अपना रेगुलर होता है चीज नूडल फ्रेंकी, 2 प्लेट पानी पूरी, चीज चिकन क्रोसॉन, चीज नूडल फ्रेंकी, शेजवान चीज पाव भाजी, चॉकलेट डोनट एंड टू वॉश इट डाउन गन्ने का जूस. चॉकलेट डोनट जी एंड गन्ने का जूस? हाँ जी. ये डाइट का प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा डाइट का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल है. माफी दे दो. सो सिंस व्हेन हैव यू बीन फीलिंग लाइक दिस? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. ए चुप कर, डॉक्टर इसे नहीं पता इसकी तबीयत बहुत खराब है. ये खाना ढंग से नहीं खा रहा है, कितना कमजोर हो गया है ये. दिन में सुबह देर से उठता है, पानी नहीं पीता है, कुछ भी नहीं करता है. डॉक्टर इसकी बहन आर्किटेक्ट लंदन में है और ये नालायक बीच में पढ़ाई छोड़ दी. बचपन में ऐसा नहीं था डॉक्टर. 7th स्टैंडर्ड में इसे हिंदी में 20 में 18 मार्क्स मिले थे, लेकिन अब मुझे कहता है कि मम्मा कितना शोर करती हो, कितना तंग करती हो, कितनी आवाजें करती हो. बताइए डॉक्टर साहब, इस उम्र के बच्चे ऐसे कहते हैं क्या? इसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे पता है ना, मैं माँ हूँ. अब आप ही बताइए डॉक्टर क्या करूँ. तुम्हारी माँ बीमार है. Hi everyone, this is Team Filter Copy. Please continue to like our videos. Please continue to share this video with all your friends. And let us know what you think about this video in the comments below. Thank you.